तो नहीं मालूम था कि कभी दिल्ली जाएंगे या JNU में एडमिशन होगा या वहाँ पढ़ेंगे। जब JNU पहुँचे तो नहीं मालूम था कि प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और प्रेसिडेंट बनने के बाद नहीं मालूम था कि जेल चले जाएंगे, और जेल से निकलने के बाद नहीं मालूम था कि देश से इतना समर्थन मिलेगा। डॉक्टर कन्हैया कुमार, राजवंशी माता और निर्दलीय उम्मीदवार। ये लड़ाई नेता का नहीं, नीति का है। ये लड़ाई ये हमारा घर है जहाँ हम पैदा हुए। ये जो है कई साल पुराना उषा का पंखा है। यहाँ हम रहे, यहाँ हम पैदा हुए। बचपन में तो शौक था भाषण सब देने। कब से शौक था भाषण देने का? चौथी क्लास दी और आपको संबोधित करने का मौका दिया। ये तो हम कहेंगे नहीं कि बिन बुलाए मेहमान। ये सोचिए कि आप प्रत्याशी हैं और आपके जमाने राजवंशी माता और निर्दलीय उम्मीदवार समर्थन। इनको क्या लगा था कि जेल में डाल देंगे, डर जाएगा, बाहर निकलेगा, माफ़ी मांग लेगा, शांत हो जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये तो चिंगारी है। आप जिस चीज़ को दबा रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इस देश के लोगों का एस्पिरेशन है। इनको पता चला कि ये नारे देशद्रोही नारे नहीं हैं, देश की जनता की आवाज़ है। हर कोई इस देश में गरीबी से आज़ादी चाहता है, हर कोई भूखमरी से आज़ादी चाहता है, हर कोई असमानता और छुआछूत से आज़ादी चाहता है। जब इनको लगा कि देश की जनता फिर से अपने आज़ादी के पुराने गानों को याद कर रही है, नए सवालों को पूछा जा रहा है, और जब प्रश्न का उत्तर कठिन होता है इसलिए प्रश्न को टाला जाता है। आपने पहले कहा कि किसान का भाई सेनानी है, फिर आप कहते हैं कि सेना में लोग कश्मीरियों का रेप करते हैं, कैसे कह सकते हैं आपका नहीं है ये? अगर किसी के पास भी किसी के खिलाफ कोई सबूत हो, अगर वो देश के खिलाफ कोई काम कर रहा हो, तो इमीडिएटली उसको जाकर के न्यायालय में जमा करना चाहिए ताकि देश हित में कुछ बेहतर फैसला आ सके। क्योंकि उसी न्यायालय ने मुझे जमानत दे दी और आज बाकी दो लोगों को भी जमानत दे दिया। मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस कीप वॉचिंग इंडिया टुडे न्यूज़ मो।